चेन टेढ़ी हो गई, इतना जाम हुआ है, पत्ते टेढ़ी हो गए अंदर की। ये देखिए भैया जाम क्या जैसे सोच चुके हैं, और वो जाने का चेन भी मुड़ के बताइए। इनको मत बुलाना इतने पीछे वापस। ये है कहाँ जाओ, वही अड़े रहो, अब वही रुके रहो, यहाँ मत आओ, उल्टा आगे सुलटा जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलना। आशु कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ट्रिप में? यही चीज तो चाहिए थी, यही तो मिसिंग था। बेचारी ये गाड़ी इस चीज के लिए बनी भी नहीं है, पत्थर है प्रॉपर, कोई रोड नहीं है, गिट्टी वाला रोड भी थोड़ा समझ में आता है, पत्थर बड़े बड़े बड़े। फाइनली आई थिंक मुझे हाईवे नजर आया है। करीबन आधा या एक घंटे से हम ऑफ रोड कर रहे हैं, पूरे कंधों की मामेन हो चुकी है कसम से। ये बार होटल देखो आप, ऐसा लग रहा बाहर में आ गया हूँ। खैर देखते हैं क्या सीन है। तो चाय वाले ने पूछा कि भैया कहाँ से आए हो, क्या है, किधर जा रहे हो? तो हमने बोला भैया हम गुजरात से जा आए हैं और उदयपुर जा रहे हैं। तो इतना सा ही बोला और उस चाय वाले ने हमारी फाड़ के रख दी एक सेकंड। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनप्लांट न्यूज पे। मैं राहुल मीणा कोटा राजस्थान से आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। ये डे 4 है गुजरात राइड का। इससे पहले 3 दिन के सारे ब्लॉग हमने अपलोड कर दिए, उसमें हमने काफ़ी चीज़ें कवर की। फर्स्ट डे हम कोटा टू गुजरात मारे हैं, गुजरात के बाद हमने लोकल गुजरात को कवर किया है, फिर हमने टेंट सिटी होगा, और अभी सब सो रहे हैं तो हम चुपके चुपके ना चोरियाँ कर रहे हैं। इसको मैंने सुबह पहले ही पकड़ लिया। चोरी करने का सामान कट्टा, क्योंकि इस बार क्या हुआ है, राइडर तो आए 8 से 9, पर पता नहीं क्यों या क्या भूल गए या क्या पता नहीं क्या सीन रहा, वो ना तो कोई चेन क्लीन लाया ना लूप लाया, और ये सिर्फ इसके पास है और मेरे इस बैग में है। ये बैग ऐसा जादुई बैग है जो मैं जब से चलाऊ ना तब से बंधा हुआ है कोटा से, क्योंकि इसके अंदर मेरे कपड़े, सोचो मैं इसी में चल रहा हूँ जैसे आड़ा टेढ़ा, क्योंकि मेरे टैंक बैग में थोड़े बहुत कपड़े, मैं उसी से ऊपर नीचे करके चला रहा हूँ अपना काम। और ये बैग आज खोलने की कोशिश करेंगे इसे, अगर सारे झूम गए तो फिर खोलना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक चेन क्लीन और लूप का एक सेट रखा हुआ है, तो बहुत ज़रूरी है आज के लिए। तो अभी मैं गाड़ी को क्लीन करूँगा, क्योंकि इसके अंदर देखो इस चेन की हालत हुई, जो ये नीचे तक देखो किसी हालत हो रखी है गाड़ी की। तो अभी चेन क्लीन लूप करेंगे, उसके बाद आज का सीन ये रहेगा कि आज हम कोशिश करेंगे उदयपुर टच करने की, कोशिश क्या जाना ही पड़ेगा। वैसे तो कई लोग कह रहे कि नहीं हम डायरेक्ट कोटा टच करेंगे, पर कोटा यहाँ से ऑलमोस्ट 890 है ना, हाँ 890 है, कुछ 800-900 के आसपास है, और मेरी इतनी औकात नहीं है, मेरे दम भी नहीं कि मैं 800-900 किलोमीटर खींच दूँ, क्योंकि ये जो शोल्डर है ना ऐसा दुख रहा खतरनाक वाला, और ये ऐसे नहीं दुखता, अभी नहीं दुख रहा, पर जैसे ही गाड़ी के ऊपर बैठते हैं ना तो वही पोजीशन आने पे वो फिर वो पुराने दर्द सारे चालू हो जाते हैं, तो अब वो नहीं करना, बस अब जितना हो पाएगा उतना ही करेंगे। तो अभी गाड़ी को क्लीन करते हैं, चलो। तो ये देखो फाइनली पूरी चेन क्लीन हो गई, देखो नई जैसी दिखने लगी थोड़ी बहुत। चेन क्लीन और चेन लूप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, उसके पीछे रीज़न ये है कि गाड़ियाँ हैं 6-7 और कोई लाया नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा करके यूज़ कर रहे हैं। अब आशु की होगी, मेरी हो गई, पाजी की थोड़ी सी मैंने कर दी, क्योंकि पाजी मेरे पीछे पड़े थे कल रात से, यार भैया मेरा थोड़ा सा कर देना। और अब मैं जा रहा हूँ अंदर, अब नहाएंगे, नाश्ता वगैरह करेंगे और अब निकल निकल जाऊँगा उदयपुर के लिए, और अगर थके नहीं है कोई दिक्कत नहीं है तो उदयपुर से डायरेक्ट हम जाएंगे कोटा, तो देखते क्या कर सकते हैं, जो सही रहेगा ना वैसे करेंगे। चलो, और आज है नाश्ते पूरी, आलू की सब्जी, पकौड़ी और चाय, देखो और अपनी फेवरेट जगह जाके बैठेंगे अपन। तो भैया बन गई चाय वगैरह सब कंप्लीट, नहीं शुरू से आ जाओ, चीयर्स। नहीं, तेने गाड़ी ठोक दी, वो उतर दे दो चपका दी, अपन ऐसी गाड़ी चलाते हैं। अरे उसने ठोक दी, तेरी माता आगे तेरे ठोक गया, अब बोल ये क्या ठोक, हम तो गाड़ी चल रही है, मुगी थी ये लैंडमार्क पर, सब जल्दी मुगी थी, वो तो मारने आया था तेरे को सीधा आदमी हो। और सुन, गुजरात बॉर्डर से पहले खत्म होने से पहले रोक लेना, पेट्रोल फुल कराना सबको, है ना, एक पलवा पलवीन करके कुछ जगह वहां पे, वो वैसे आशु को बता दे मैंने कहां रुकना है, वो बॉर्डर है, आ जाओ चलो, आ जाओ चलो, ये लो
ट्रिप जीरो हो चुकी है। चलो बोलो प्रभु का नाम, जय हो बालाजी महाराज, हर हर महादेव। चल भैया आज का रन चालू करते हैं, लाइनअप हो रहा है अभी, और इसके बाद अमित जैसे आगे आ जाएगा सब रेडी हो जाएंगे जाने को। भाई ये गिर तो नहीं जाएगी? ओ ये ऐसे ही लटक रहा है कार्यक्रम, शायद नहीं गिरेगी ना। ठीक है फिर तो चलो चलो भाई अमित। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया मुझे तो पर्सनली, अगर कल की बात करूँ तो कल का दिन ज़्यादा एक्साइटेड नहीं लगा मुझे पर्सनली। लास्ट में जाकर के हमने 10 सिटी जरूर देखी तो उसमें थोड़ा सा मज़ा आया मुझे, और उसके बाद अब आज हम वापस से घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। 590 किलोमीटर यानी कि 600 किलोमीटर ऑलमोस्ट हमें जाना है उदयपुर। अगर उदयपुर पहुँचते पहुँचते हमारी शरीर में जान बची तो 100% हम कोटा टच करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उदयपुर के बाद भी कोटा करीबन 200-300 कुछ पड़ेगा हमें। तो अभी हाल फिलहाल का जो पहला टारगेट सेट किया है वो है उदयपुर, बीच में एक आध स्टॉप लेते हुए चलेंगे हम, चाय पानी और खाने का स्टॉप जो भी होगा 2 बजे के आसपास हम जो है खाना वगैरह खाएंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे उदयपुर के लिए। और आखिरी बार हम गुजरात को बाय बोलते हुए जा रहे हैं। ये है मेन जो कल बता रहा था, जैसे कि उन्होंने पहले ही बताया वो है मेन सिटी, टेंट सिटी जिसे बोलते हैं, और ये लोकल्स के लिए खोली हुई है, जिसमें कल हमने पूरा एक्सप्लोर किया था। लास्ट वीडियो में आपने देखा ही होगा, अगर नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, ऐसा कुछ था। दोनों तरफ बनाए हुए मस्त म्यूजियम है, यहाँ पे आप सामान खरीद सकते हो। मैंने खूब सारा देखा है यहाँ पे सामान, पर मुझे पर्सनली पसंद नहीं आया, पता नहीं क्यों यार, मैंने कहा ऐसा टाइम पास लगा कि ठीक है यार क्या है यार। क्या हो गया रे, क्या हुआ? अच्छा हमने बच्चे के लिए खिलौना लिया था और टूट गया, तो हम ट्राई कर रहे हैं अगर कोई दुकान हो ऐसी जहाँ मिल जाए, पर शायद लग नहीं रहा कि दुकान पे मिलेगा, वहाँ मिल सकता आई थिंक। ये बैचेस वगैरह इधर, वैसे तो सट के अमित को दिलाने ले गए थे खिलौने, और मैं भर लाया देखो जाने क्या क्या बच्चों के लिए। कल इतना घूमे तो नहीं लिया और आज 1 सेकंड में खरीद लिया पूरा। कल इतना घूमा एक नहीं लिया, आज पूरा भर लिया। खैर कोई नहीं, ऐसा होता है कभी कभार। चलो अभी दिन की बज रही है 11:10 और किलोमीटर चले 42, और अभी जस्ट हमारे नरेंद्र भैया का कॉल आया कि भैया मेरी गाड़ी की चेन उतर गई। गिर तो नहीं गए हैं? गाड़ी साइड लगाओ, गाड़ी आराम से आराम से आराम से आराम से उठा के इधर पटको इधर, और इस रोड को खाली करो ताकि उधर से ओवरटेक करके निकल जाओ आराम से आराम से। अब सुन सुन, उसको साइड हटा, ओवरटेक करेगा तो उधर से निकल जाएगा। इस फंस गई क्या चेन? चेन टेढ़ी हो गई, इतना जाम हुआ है, पत्ते टेढ़ी हो गई अंदर की। देखिए भैया जाम क्या जैसे सो चुके हैं, और वो जाने का चेन भी उड़ के बताइए सब। अब इनको मत बुलाना इतने पीछे वापस, ये है कहाँ जाओ, वहीं अड़े रहो, अब वहीं रुके रहो, यहाँ मत आओ, उल्टा आगे सुलटा जाओगे, कोई मतलब नहीं निकलना। डर से वो देखो सामने एलंकी है, खत्म गया ब्लू भी। एलंकी यहाँ कैसे लगाऊं? लग जाएगी नीचे से, आराम से करना, चेन नहीं चटक जाए। गियर में है क्या? रुको रुको, खुल गई खुल गई, बस लूज हो गई, बस हो गई होगी लूज हो गई। इधर एक पॉइंट पर अटक रही है इस जगह, बस इस जगह अटक रही है। हाँ इसको है ना लोहे से नीचे हल्का सा मारेगा तो शायद ऊपर आ जाए, थोड़ा सा आ जाए ना तो घूम जाएगी चेन यार। मैं क्या कह रहा हूँ इस पीछे वाली चेन को ना इस चक्के पे चढ़ा लो इस पे, और फिर थोड़ा सा पीछे उड़काओ, अब उड़काओ पीछे उड़काओ पीछे पीछे आगे, अरे फिर बाकी उल्टी चल जाएगी उस बोल्ट में, वही कह रहा हूँ उल्टा करो ऊपर की तरफ से चढ़ाओ और पीछे आंदो इसे, अरे वो उलझती जाएगी और आगे उस छोटे से बोल्ट में कट लगी सा आवाज आएगी और निकल जाएगी वो दे, अरे नहीं दो कड़ी आगे चला गया, देखो वो दूसरी कड़ी पे भी वापस चढ़ गया वो, उसको कह दो लोहा लगा के ऊंचा करो उस साइड से, रुक एक बार चलाओ एक बार चलाओ एक बार चला आगे चलाओ धीरे धीरे, हाँ चला 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 हटा लो आप हटा लो चढ़ाओ 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 और दो धक्का दो आप हटाओ आप, अरे मेरे हटते तो फिर उठेगी नहीं वो, आई आगे आगे कैच
अरे ये लग रहा है क्या? हाँ आगे चल, बस 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 आगे 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 अब रुकना, अब तसल्ली रखना, सुनो सुनो अब शांति रखो, बता दूं करना, अब देख लो, अब तुम्हें बता भी दूं करना क्या है। इस चेन को सीधी करनी है यहाँ से, इधर आओ। पर मैं यूं कह रहा हूँ, इसको थोड़ा सा देख ले लो, ठीक है? ये सीधी होगी, अगर ये सीधी नहीं करी तो ये चेन नहीं चल पाएगी। अब इसके लिए मेन काम ये स्टैंड पे लगाओ, आशु पूछा करे, इसको ढीला करना है। आशु कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ट्रिप में? ये यही चीज तो चाहिए थी, यही तो मिसिंग था क्यों जावेद भाई, ये चीज ही तो मिसिंग थी। ओ भाई कल अनिल सर की गाड़ी मिसिंग मारने लगी, मैंने कहा अपन तैयार है, अपने गए दो चार घंटे उसके लिए। इधर से खुलेगी साइड से, उसको चला भी दोगे, टीथ भी बैंड हुए हैं, ये टूट गया, थोड़ा वो जुगाड़ तो क्या देखते, चेन फटके मार रही, देखो इवन ये तो डैमेज हो गए इसके। चलो चलो चलो, हाँ धीरे ही जाना भाई, दूसरे गियर में देख के चलो। तो अभी थोड़ा बहुत जुगाड़ करके भेजा है जावेद भाई को, जैसा भी देखा ही था आपने, और प्रखर गया हुआ है। अब हम सब भी जा रहे हैं पीछे 6 किलोमीटर दूर, वहीं पे कोई बता रहे कि मैकेनिक है, तो देखते अगर कुछ सतुना बनता है। क्या क्या बेटी लोक डल रहा है, चलो ये बढ़िया रहा, हाँ बेस्ट 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 बेस्ट। अब जाके इस गाड़ी का काम हुआ है, और कितनी बज गई, 12:46 हो चुकी है। लो जावेद भाई, और पूरा क्रेडिट जाता है जावेद भाई को, उन्होंने पूरा तोड़ मरोड़ के गाड़ी का सेटलमेंट कर ही दिया। चला चलिए जर्नी चालू करते हैं वापस से, और एक मेमोरी में कैप्चर होगी ये चीज़ भी, कि अक्सर राइड में ऐसा भी कुछ हो जाता है, तो मुझे तो बड़ा मजा आया, थोड़ा सा लगा कि यार ये क्या हो गया, पर ठीक है सब कुछ बढ़िया। अब इनको क्या लगता है, राहुल भैया को तो कंटेंट मिल गया, मजे आ गए उनको, तो भाई ऐसा नहीं होता, जाना मुझे भी उदयपुर है और फैमिली से मिलने की इच्छा मेरी भी है, टाइम पे पहुंचना है ऑफिस वगैरह सारा कुछ बात है, पर ठीक है। ये तो मैंने अच्छा किया, अभी बैक टायर जो है मेरा वो ऑफ रोड वाला डलवा लिया, बेचारी ये गाड़ी इस चीज़ के लिए बनी भी नहीं है, पत्थर है प्रॉपर, कोई रोड नहीं है, गिट्टी वाला रोड भी थोड़ा समझ में आता है, पत्थर पड़े हैं बड़े बड़े, बाप रे थोड़ा सा ही है वैसे, शायद पेच हो गया 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 मैं गया, आई लगी मेरे जूते पे पड़ी जोर से, ओहो पत्थर आगे पड़ा बहुत जोरदार मोटा, अरे भैंस की टांग। फाइनली आई थिंक मुझे हाईवे नज़र आया है, करीबन आधा एक घंटे से हम ऑफ रोड कर रहे हैं, पूरे कंधों की मामेन हो चुकी है कसम से। फाइनली भाई तू चढ़ जा, भाई तू पीछे के पीछे आ जाए, ओ अरे भाई साहब, वो गांव पूरा हमने क्या है? बहुत हमने बहुत बड़ा किलोमीटर कवर कर लिया मजाक मजाक से हटके। हाँ वो तो कह रहे हैं, तो बनी रहा है इसमें, तो कुछ गाड़ी घोड़े भी नहीं आते दिख रहे है, देख एक बार देखा दिखाना मैप कैसे बोल रहा है, एक बार इधर दिखा तो, पापा फाइनली थोड़ी देर के लिए रुके, अभी चलते चलते हमें कितनी बज गई पता नहीं, टाइम का भी नहीं पता चल रहा आज, तो 352 किलोमीटर चल लिए और 7 बजने वाली है, एक कोई होटल पे रुके, पता नहीं क्या नाम है इसका, पता नहीं गुजराती में लिखा अजीब सा नाम है, ये बार होटल देखो आप, ऐसा लग रहा बार में आ गया हूँ, खैर देखते हैं क्या सीन है। तो फाइनली खा करके हो गए कंप्लीट और अब निकल रहे हैं, बाकी हमारे 4 जो लड़के थे वो जा चुके हमसे 13 किलोमीटर आगे, उनको बस कैच करना है, और अभी भी यहाँ से हमें अभी रात की मैं बताऊँ, अरे बाप रे घड़ी भी गई,
8 बज रही है और अभी हमें 250 किलोमीटर रोड जाना है। मतलब समझ रहे हो, रात ही एक तो बजनी बजनी है। आरजे 20 वाले एक दो नहीं बजे जब तक मजा कहाँ आता हमें। खैर जो भी है देखते हैं। तो गाइज पहुंच चुके हैं फाइनली हम उदयपुर, और बहुत ही गंदे लेवल की हालत ख़राब हो चुकी है। अभी रात की 12:30 बज रही है, 12:30 नॉन स्टॉप भगाइए। और बीच में तो ये हाल हो गया था हमारा, हम एक ढाबे पे रुके थे, वो वाला मैंने शूट नहीं किया। ढाबे पे तो निकल गया भाई, ढाबे पे हम रुके चाय पीने के लिए। मैंने कहा चाय पी लेते, जब उदयपुर शायद 120 किलोमीटर बचा हुआ था, तो मैंने कहा चाय पीते हैं यार, बहुत ज़्यादा थक चुके हैं। सबने कहा ठीक है चाय पी। तो ठंड इतनी, जैसे ही आबू रोड आया ना, इतनी ठंड बढ़ी, इतनी ज़्यादा ठंड बढ़ी है, हालत ख़राब होगी। तो सबने कहा यार एक चाय पी लेते हैं, चाय ब्रेक कर लेते हैं। तो 120 किलोमीटर पहले हमने उदयपुर से पहले रोक दी गाड़ी और चाय वाय पीने लगी। तो हम ऐसे बात कर रहे थे थोड़ा सा, तो चाय वाले ने पूछा कि भैया कहाँ से आए हो, क्या है, किधर जा रहे हो। तो हमने बोला भैया हम गुजरात से आए हैं और उदयपुर जा रहे हैं। तो इतना सा ही बोला और उस चाय वाले ने हमारी फाड़ के रख दी एक सेकंड में। तो बोलता है कि अब, मैंने कहा हाँ अभी जाएंगे, कि भैया मेरी मानो तो मत जाओ। मैंने कहा क्यों, कि अब मत जाओ भैया यार, क्योंकि गोगुंदा जो है ना इलाका, एक गुजरात से आप जब उदयपुर आते हो तो बीच में गोगुंदा करके आती, गोगुंदा की पहाड़ियाँ, वहाँ पर टोल आता है। तो बोल रहा था कि टोल के पहले भी और बाद में भी वहाँ पे लोग पत्थर मारते हैं, रुकवा लेते हैं, लूट लेते हैं, ये सारी बातें वारदातें हो जाती है। तो हमारी लिटरली ऐसी फटी, एक तो रात की 11:30-12 बज रही है, ऊपर से ये चाय वाला ही बोल रहा है कि यहाँ लुटेरे आते हैं। मतलब हालत इतनी बुरी ख़राब हो गई। मैंने कहा अब क्या करें, सारे बैठ के सोचने लग गए कि भाई सब चले नहीं चले रुके। अब हमारे उदयपुर में होटल और बुक करा दी हमने, दो दो के पैर में चले अमित और पाजी आगे, मैं और आशु पीछे चले। कंटिन्यू इतनी बुरी फटी हुई थी लिटरली, जैसे तैसे करके उदयपुर पहुंचे। रात की 12:30 बज रही है और पता है होटल नहीं गए, यहाँ आ गए हम लेक पुछेला पे। मतलब इतने पागल आदमी दुनिया में कहीं देखे होंगे। मतलब होटल पे सामान पटका और यहाँ पहुंचा दिया कि यहाँ चलो यहाँ घूमेंगे, अब यहाँ आ गए बेवकूफे की तरह। मतलब इससे बड़े सिर्री कहीं देखेंगे दुनिया में। ये देखो क्या लेने आया तू यहाँ पे बड़ी रात में, कर ये खुला आसमान घर वर नहीं है तुम्हारे, यहाँ आगे वाला 600 किलोमीटर चला चला के घर तेरे घुमा के देख रहे उल्टी साइड। अभी 600 किलोमीटर चला के आई प्राणी सकले देख रही इनकी, देखो पकौड़ी वाला मिल जाए तो अच्छा रहे भाई है ना। ये पाजी तो वो पीने आए कॉफी, 12:30 बजे कॉफी चाहिए थे सर, मतलब शर्म नहीं बिल्कुल 1 रुपए की भी। लेक पुछलवा पे आगे पड़े हुए हम, बताओ बैठ रहे बो रहे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अभी तो बस में उड़ेगी, हॉस्टल में जाती उसको पीछे छोड़ आए जिसकी। चलो पट्टे पड़ने वाले। खैर अब हम जा रहे हैं वापिस से, यहाँ तो क्या कॉफी पीने आए थे, शायद कॉफ़ी वगैरह मिल जाए, वो तो मिली नहीं। अब जा रहे हम हमारे हॉस्टल। तो यही था कुछ आज का व्लॉग, उम्मीद करता हूँ कि पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं कल, जो कि होगा उदयपुर टू कोटा की जर्नी, मस्त होने वाली है, तो बने रहिए व्लॉग में।